रिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारे प्यार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिए लाल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठा कीजिए लाल। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और या जो जो भी हमारे नए से स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि आपको समझ में आता है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। और अपने संज्ञान में दूरदृष्टि तक चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोकल के हैं, इर्द गिर्द के हैं, कहने मतलब, तब आप ऑफलाइन क्लासेज ले सकते हैं। यदि आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस चाहते हैं केमिस्ट्री में, मीन से केमिस्ट्री यदि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती है, तो आप चैनल से जुड़ें और ऑफलाइन क्लासेज जरूर लीजिए, जिससे बेहतरीन मीन से एक अच्छी पकड़ बन सके हम लोगों की केमिस्ट्री पे, है ना। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगने लगे, मीन्स इंटरेस्टेड, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऑफलाइन क्लासेज जरूर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेज भी लेते रहिए कंटिन्यूस, और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। और किसी भी प्रकार की यदि आपको विद्वत और यदि अच्छे से नॉलेज गेन करना है, तो आप अबाउट में जाइए, वहाँ पर आपको दूरदृष्टि समझाया गया, बताया गया है, अबाउट पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ हैलोकेंस एंड हैलोरिंस से। मैं हम लोगों का चैप्टर हैलोकेन चल रहा है, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी पढ़ रहे हैं लाल, क्लोरोफॉर्म की पढ़ रहे हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म के, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूस कई सारे ऐसे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें जिक्र किया गया है। जल्दी से एक बार इस लेक्चर में शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद नई कोई केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग क्लोरोफॉर्म की पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग किया गया था हाइड्रोलिसिस ऑफ जो क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा था क्लोरोफॉर्म के KOH के साथ रिएक्शन करवाई गई थी। सबसे फर्स्ट हेडिंग कौन सी थी लाल, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब CH Cl3। आपने प्रोडक्ट क्या बनाया था लाल, SCOOK, यही तो था लाल, है ना। इसको क्या बोलते हैं लाल, पोटेशियम फॉर्मेट। आगे बस लाल सुन में, पोटेशियम फॉर्मेट। सेकेंड कौन सा था लाल, क्लोरीनेशन। क्या था लाल, क्लोरीनेशन बोले तो लाल, CHCl3 की रिएक्शन किससे करा रहे थे लाल, Cl2 मीन्स क्लोरीन से। प्रोडक्ट क्या बनता था लाल, CCl4 बोले तो लाल, पायरीन। क्या बोलेंगे लाल, पायरीन का सेकेंड नेम क्या होता है लाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। तो हमने इस लेक्चर में देखा, मैं इससे अब तक जितना भी पिछला मैंने पढ़ा है उसमें हाइड्रोलिसिस पढ़े थे, तो हाइड्रोलिसिस का शॉर्ट फॉर्म मीन्स पोटेशियम फॉर्मेट बनाए थे। सेकेंड क्लोरीनेशन था, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज Cl2, है ना। तो इसके साथ में प्रोडक्ट क्या बना था लाल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक लास्ट में बेटा HCl बनता है लाल, क्या बनता है लाल, HCl बनता है, मींस लेकिन मेजर कंपाउंड्स क्या होता है लाल, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लाल, पायरीन बोलते हैं। क्लियर। अच्छा सेकंड क्या था लाल, सॉरी थर्ड क्या था लाल, नाइट्रेशन। क्या था भैया, नाइट्रेशन ऑफ CHCl3, इससे प्रोडक्ट क्या बनाया था आपने लाल, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या था लाल, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, इसी को और कुछ कहते थे लाल, क्लोरोपिक्रिन। इसी का सेकेंड नेम क्या लाल, क्लोरोपिक्रिन। क्लियर। क्लोरोपिक्रिन का मतलब बोले तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट कौन सी लाल, हैलोफॉर्म। कौन से हो जाएगा लाल, हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म बोले तो लाल, पॉइंट नंबर 4, हैलोफॉर्म बोले तो Cl2 के साथ, और 3Cl2 एस्टरडिहाइड एथिल अल्कोहल। तो मेजर कंपाउंड्स वहां पर क्या बनता था लाल, बताएंगे, क्लोरोफॉर्म्स वहां पर जा रही थी ना। लेकिन नेक्स्ट इससे पहले वाले में अगर हैलोफॉर्म के जिक्र करते हैं तो किसी हैलोजिनेशन में, तो हैलोजिनेशन में स्टेप बाय स्टेप जैसे किसी के हैलोजिनेशन देते हैं, क्या देते हैं लाल, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन बोले तो वहां पर X2 के साथ कराते थे CH4 के, CH4 और प्लस Cl2। स्टेप बाय स्टेप क्या बनता था लाल, रिएक्शन कितने स्टेप की होती थी, 4 स्टेप हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगी लाल, हैलोजिनेशन वाले में वहाँ पर दे रहे थे, तो हैलोजिनेशन में आपने CH4 की Cl2 के साथ करवाया था स्टेप, और वहाँ पर टेम्परेचर कितना था लाल, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस दे सकते हैं, या 400 से 550 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। या तो प्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करवाते थे ना। तो ये जो CH4 के साथ जब हम इसका क्लोरीनेशन करते थे या ब्रोमिनेशन करते थे या क्लोरीनेशन करते थे, तो लास्ट में एक प्रोडक्ट बनता था, उस प्रोडक्ट को लास्ट स्टेप में क्या बनता था लाल, क्या बोलते थे लाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला CCl4 होता था।
जो फर्स्ट स्टेप में बनता था वो क्या था लाल, CH3Cl था। सेकंड स्टेप में लाल CH2Cl2 था। थर्ड स्टेप में आपका CHCl3 था। एंड फोर स्टेप में ये बनाया था आपने, क्लियर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन हम यहाँ पर क्लोरीनेशन के फॉर्म में हमने पढ़ लिया, क्लियर। आगे बात सुनिए, शॉर्ट फॉर्म में देना चाहेंगे तो कैसे देंगे लाल, देंगे CHCl3+Cl2 प्रेजेंटेशन, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में। तो क्या हो जाएगा लाल, एक क्लोरीन देखिए यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा लाल ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो बनेगा CCl4+HCl। इस क्लोरीनेशन की रिएक्शन को एक रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बात सुन, मतलब कि फोर स्टेप की रिएक्शन वहाँ देते थे तो लास्ट में CCl4 बनता था, यहाँ पर डायरेक्टली हमने क्या किया, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करवाया, तो शॉर्ट फॉर्म में CCl4+HCl, मेजर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर अगली रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करवाया था लाल, एसीटोन के साथ। किसके साथ लाल, एसीटोन, रिएक्ट विथ एसीटोन। तो रिएक्ट विथ जब एसीटोन की बात करते तो हम लोगों ने वहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाया था लाल, क्लोरीटोन, क्या था लाल, क्लोरीटोन, क्लियर। आगे मतलब कि क्लोरोफॉर्म ने किससे रिएक्शन किया था लाल, एसीटोन से। एसीटोन का फॉर्मूला लाल CH3CO CH3, दैट इज एसीटोन, इसी का IUPAC नेम क्या होता लाल, हाँ प्रोपेन, सही बता रहे लाल, इस क्या होता लाल, इसका प्रोपेनोन। मतलब कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा लाल, क्या बने, मतलब ये जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा लाल, क्लोरीटोन बनता है। ये बात समझ में आ गई लाल, क्लियर। जब बात करते हैं जब ये क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्शन करने जा रहा है लाल, बेंजीन से, तो क्या बनता था लाल, हाँ सही बता रहे हम, ट्राईफेनिल मेथेन। फॉर्मूला क्या होता है लाल, C6H5 का होल थ्राई CH, दैट इज ट्राईफेनिल मेथेन। ये सारी बातें समझ में आ गई लाल, क्लियर। और अदर कोई रिएक्शन थी, ये कंप्लीट हो गई लाल ना, AgCl के साथ रिएक्ट विथ Ag, रिएक्ट विथ Ag, मतलब 6 Ag है ना लाल, 6 Ag, मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल थे लाल यहाँ पर, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ Ag, गेस शॉर्ट फॉर्म, मेजर कंपाउंड्स ऑफ एसिटिलीन। मतलब गेस शॉर्ट फॉर्म में क्या बनता था लाल, C2H2+6AgCl। कैसे हुआ था, ये सारे पॉइंट्स आपको पिछले लेक्चर में मीन्स ऑफलाइन में समझाया गया था, ऑनलाइन लेक्चर में ये सिर्फ इंपॉर्टेंट एक कोटेशन शॉर्ट फॉर्म में समझाया जा रहा है, ऑफलाइन क्लासेस में इसको विध्वस्त समझाया गया है, एक एक पॉइंट को समझाया गया, कैसे मीन्स कैसे रिएक्ट करेगा एक दूसरे से और क्या रिएक्शन कैसे होती है, ये सारी बातें समझ में आ गई सब लोगों को। अच्छा एक चीज़ ध्यान देते हैं, अब इसका थोड़ा एक ग्राफ मैं आपके माइंड में सेट करता हूँ, क्लियर। कैसे सेट करेंगे, कैसे याद करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सेकंड ईयर में आने के बाद ये सोचते हैं कि रिएक्शन को कैसे याद किया जाए, मैकेनिज्म को कैसे समझा जाए, हम कैसे किसी मीन्स से किसी टॉपिक की को कैसे विध्वस्त समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें। ये सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए। आप किसी टॉपिक के बारे में तभी लिख सकते हैं जब आपके माइंड में उसका एक क्या बना होगा लाल, एक इमेज बना होता है। जब इमेज का मतलब ये होता है, जब आपके माइंड में वो चीज़ विध्वस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, मीन्स कंठस्थ हो जाती है वो बात, तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब आपके माइंड में सारी बातें कंफर्म हो गई क्या, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आप देख रहे हैं कई सारी रिएक्शंस हो रही, इसको माइंड में कैसे सेट करना है इस चीज़ को समझिएगा। मींस आप सेंटर में क्लोरोफॉर्म करेंगे, आप जैसे मैं यहाँ पर समझाऊंगा वैसे अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिएगा। जब क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर की नज़र से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से लॉन्ग क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म आ सकता है, क्लियर। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट मैंने पहले भी समझाया था, मैं अभी भी बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा क्लोरोफॉर्म ही आ सकता है 5 नंबर में, और वो उसमें जो मेथड ऑफ प्रिवेंशन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल एसीटोन, तो एथिल अल्कोहल ही इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी मैथड के थ्रू जब हम वहाँ पर क्लोरोफॉर्म बना के तैयार करते हैं तो एथिल अल्कोहल की है, स्प्रिट ऑफ वाइन के थ्रू, क्लियर। अदर जो एसीटोन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर जितनी भी आप ये सारी रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कहने मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आना ही नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर में आ सकती हैं। और कैसे आते हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके भी मैंने आपको समझाया था, क्या होता है जब ये कैसे प्राप्त करेंगे, या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं वहाँ पर, उसकी समझ के लिखना होता है कि यहाँ पर क्या होगा, क्लियर। अब सबसे माइनस पॉइंट आपको ये नज़र आता है कि हम कैसे अपने माइंड में एक इमेज बनाएं, कैसे याद करें कि एक इमेज बन जाए कि हम उसको आसानी से मीन्स से याद कर सके, समझ सके, मीन्स भूले ना।
तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या, आप सेंटर में क्लोरोफॉर्म लिखेंगे, क्लियर बात समझिएगा लाल, सेंटर में क्या करेंगे लाल, क्लोरोफॉर्म, फिर क्लोरोफॉर्म की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है इर्द गिर्द लिखते जाइएगा। आगे बात समझ, जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगा कि सेंटर में क्लोरोफॉर्म था, इर्द गिर्द में जितने भी कंपाउंड्स या नेमिंग रिएक्शन मीन्स जितने भी नेम्स दिख रहे थे वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के ही थे। कैसे समझो जरा, देखिए लाल, जैसे हमने सेंटर में यहाँ कर दिया CH Cl3। अब थोड़ा आप इजी लैंग्वेज में इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, आप बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए लाल। हमने देखा इसको आप चाहे ऐसे करके याद कीजिएगा, जैसे भी याद कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा क्या, हाइड्रोलिसिस, क्लियर बात समझिएगा, पहले ध्यान से सब लोग सुनिए लाल, क्या हो जाएगा लाल, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। अब मुझे ये ना बोलना पड़े कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, मुझे सेंटेंस ना बोलना पड़े, मीन्स आप समझ चुके क्या, हाइड्रोलिसिस पॉइंट नंबर वन में यदि लिखा है हाइड्रोलिसिस तो समझ जाना हाइड्रोलिसिस ऑफ, क्लियर। क्या बन रहा था, इसी के आगे ऐसे लिख लेंगे क्या, HCOOK, क्लियर। और इससे पहले एक सेकेंड कंपाउंड बन रहा था, क्या बन रहा था लाल, HCOOH, तो मेजर कंपाउंड आपका ये है, क्लियर। अगर क्वेश्चन कभी आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म के थ्रू यदि पूछा जाता है फॉर्मिक एसिड तो आप ये दे दें, यहां तक रिएक्शन को रोक देंगे, बात समझ में आ गई। और जैसे पूछा गया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म के थ्रू मीन्स पोटेशियम फॉर्मेट, तो आप रिएक्शन को क्या करेंगे लाल, कंप्लीट करेंगे। आ गई बात समझ, मीन्स इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसको मैं भी बाद में बताऊंगा। पॉइंट नंबर टू क्या कर रहा है, ये जो क्लोरोफॉर्म है ये एक प्रोसेसेज है, एक हाइड्रोलिसिस है, मीन्स ये के अब किससे रिएक्शन कर रहा है, किस कंडीशंस में कर रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंडिकेट की गई थी। H2O के साथ रिएक्शन कर रहा था वहाँ पर कंडीशन जाके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में, KOH के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कर रहा था, गिव्स आउट फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप 1,1,1 हाइपेंडाई है ट्राई करके हाइड्रोक्सी बनाया था ना, तो यहाँ पर वो लॉन्ग रिएक्शन दिख रही थी, लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज में हमने आपको समझाया था, हाइड्रोलिसिस हुआ फिर डिहाइड्रेशन हुआ फिर के है ना, फिर वहाँ पर KCl करके फिर करके वहाँ पर H2O वहाँ से रिलीज हुआ है ना, ये सारी प्रोसेसेज जो हमने बातों वहाँ पर आपको समझा दिया था। सेकेंड पॉइंट्स क्या है लाल, क्या करेंगे, क्लोरीनेशन, क्या हो जाएगा लाल, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या हो रहा था लाल, यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट बना क्या, CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। पॉइंट नंबर थ्री माइंड में ऐसे सेट करेंगे, नाइट्रेशन, पॉइंट नंबर थ्री नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बोले तो लाल क्या बन रहा था लाल, बोलेंगे CCl3NO2, यही था कुछ और बन रहा था, कंफर्म, ट्राई नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, यही तो था, क्लोरो क्लोरो पिक्रिन, क्लोरो 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 पिक्रिन, तो यही लिखेंगे, चलिए से बाद में लिखते भी। पॉइंट नंबर फोर क्या था लाल, हैलोफॉर्म, हैलोफॉर्म में क्या था लाल, बोले या हैलोजिनेशन दे सकते हैं आप, यहाँ हैलोजिनेशन के थ्रू दीजिए, क्या देंगे, हैलोजिनेशन वाली रिएक्शन कौन सी थी लाल, आपने किया तो था हैलोजिनेशन वाले में, क्या था लाल, हैलोजिनेशन में आपने क्लोरीनेशन तो कर दिया है ना, और यदि आप हैलोजिनेशन में डायरेक्टली करना चाहेंगे तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप की रिएक्शन होती थी है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बताइए, रिएक्ट विथ AG बोले तो मतलब ये क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्शन करने जा रहा है लाल, AG क्या है लाल, सिल्वर, क्या बन रहा था लाल, एसिटिलीन, तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है लाल, HC CCH3,
लिख सकते लाल ना, इसी को शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं लाल, C2H2 है ना भैया। पॉइंट नंबर फोर दिख रहा है लाल, पॉइंट नंबर फोर में क्या हो जाएगा, रिएक्ट विथ, हाँ रिएक्ट विथ एसीटोन, रिएक्ट विथ फॉर्मूला क्या होता है लाल, CH3CO CH3, क्लियर, ये कंफर्म। क्या प्रोडक्ट बन रहा था लाल, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन का फॉर्मूला क्या जा रहा था लाल, आप सेंटर में कार्बन किए थे, इस साइड में OH था और यहाँ पर CCl3 था, फिर क्या था यहाँ पर H3C था और यहाँ पर भी H3C था, दैट इज क्लोरीटोन, नींद की दवाइयाँ बनाने में यही तो था। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर सिक्स लाल, पॉइंट नंबर सिक्स, बात को समझिएगा लाल, यहाँ पर पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स में क्या हो जाएगा लाल, रिएक्ट विथ बेंजीन, फॉर्मूला क्या होता है लाल इसका, C6H6, प्रोडक्ट क्या बनता था लाल, ट्राई, फॉर्मूला लाल, हाँ C6H5 का होल ट्राइज क्या हो जाएगा CH, है ना, लास्ट में कुछ और इसके साथ बनता था 3HCl, क्या था लाल, मेजर कंपाउंड्स ऑफ ट्राइफेनिल मेथीन, सॉरी मेथेन, ट्राई फेनिल मेथेन, क्लियर, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखना, एक माइंड में आपके इमेज बन गया ना, क्या सब लोग जल्दी से ध्यान दो लाल, आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन गया, एक इमेज बन गया क्या, कि ये क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस होगा तो पोटेशियम फॉर्मेट, क्या नाम लाल इसका, आप यहाँ लिखेंगे HCOOK, सॉरी यह H का ही कर लीजिए सबसे पहले, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कंपाउंड नंबर टू, दैट इज नेक्स्ट HCOOK, बोले तो पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट भैया। पॉइंट नंबर थ्री, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसी को और भी क्या कहते हैं लाल, पायरीन, बिजली से जब आग लग जाती है बुझाने में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में फोर, CCl3NO2, बोले तो ट्राई, बोलो ट्राई नाइट्रो क्लोरोफॉर्म या क्लोरो पिक्रीन, तो यहाँ लिखेंगे क्लोरो पिक्रीन, इसी को क्या बोलेंगे, ट्राई ट्राई नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, ट्राई नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, और क्या हो जाएगा लाल, ट्राई क्लोरोफॉर्म, और क्या हो जाएगा लाल नेक्स्ट, C2H2, तो C2H2 या HC CH, और क्यों होता है ट्रिपल बॉन्ड, सभी को पता कार्बन के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर 4, दैट इज दोनों कार्बन क्या करेंगे टुवर्ड्स कंडीशन सेम कंडीशन, कहने मतलब कि इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, इसके पास भी 4, दोनों क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेके अपना ऑक्टेट क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अब ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं लाल, एथाइन, इसी का ऐसे नॉर्मल नेम क्या बोलेंगे जनरल, एसिटिलीन, और नेक्स्ट क्या बचा लाल, हाँ H3COH CCl3H3C, दैट इज क्लोरीटोन, क्लोरी, और नेक्स्ट क्या लाल भैया, C6 है H5 का होल थ्राई CH, ट्राई ट्राई फेनल मेथेन, तो सारे पॉइंट मेरी समझ से समझ में आ गए होंगे सभी लोगों को, नहीं समझ में आया लाल, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्लोरो पिकरिंग कहा, ये इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है अब ये जान लो, क्लियर, सबसे ज़्यादा इसमें से इम्पॉर्टेंट है नाइट्रेशन रिएक्शन, क्लोरो पिकरिंग इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट रिएक्ट विथ सिल्वर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और जब बात करते हैं इसकी एसीटोन के साथ में, तो रिएक्ट विथ एसीटोन में जो क्लोरीटोन हम लोग बनाते हैं, क्लोरीटोन ये इम्पॉर्टेंट है, 2025 की परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है ये,
ध्यान रखिएगा। और रिएक्ट विथ बेंजीन ट्राइफेनिल मेथेन, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये ताबड़तोड़ है, मतलब 100% ये आना ही आना है, ठीक है ना, किसी न किसी मॉडल पेपर में आएगा जरूर, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। बाकी ये हाइड्रोलिसिस वगैरह सब नॉर्मल से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या हाइड्रोलिसिस जब करते हैं फॉर्मिक एसिड तक SCOH, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ तक पूछा जा सकता है फॉर्मिक एसिड, ये इतना पोर्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि क्वेश्चंस में यहाँ तक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। केमिस्ट्री की खासियत क्या है या किसी भी सब्जेक्ट में खासियत क्या होती है, क्वेश्चन को घुमा के पूछते हो, है ना। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वैसे रट लेते हैं, और रटना अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल, समझना इस चीज़ को, है ना, कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिएगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है आपको एक एक पॉइंट को। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक नया टॉपिक इसी से देते हैं। ये इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ गई होगी लाल ना। हमने देखा क्या, नॉर्मली एक बार जल्दी से समझ लेते फिर एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हमने देखा ये जो क्लोरोफॉर्म है, एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा, HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले की खासियत यही है कि मैं एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करता हूँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से ना जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए। लास्ट में फिर मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि हाँ सिर्फ इतने पढ़ लो इसी में से आएंगे, बाकी फर्जी पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मेरे कहने मतलब कि एक एक कॉन्सेप्ट एक एक रिएक्शन से एक एक टॉपिक को कम्प्लीट करते जाओ, किसी चैप्टर में एक एक चीज़ को कम्प्लीट करो, हो सकता है कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं है, लास्ट में जब सारी चीज़ तैयार रहेंगी केवल रिवीजन करना रहेगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना, बाकी अगर वो नहीं तो ये कोई तो आएगा, तैयारी अच्छी तभी तो आप बेसब्री से इंतज़ार करोगे एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में बैठोगे, तो नहीं तो इंतज़ार करोगे छुट्टी कब होगी, मैं टाइम कैसे बीतेगा, मैं मजाक तो नहीं करूँ, रियल फैक्ट्स है। आप जब पढ़ के बैठोगे तो आपके अंदर एक क्रीडेंस होगा पेपर के लिए कि हाँ जितना भी मैंने मीन्स पेपर का आप वेट करोगे जल्दी से आए, वेट तो दोनों प्रकार के लोग करते हैं, जिनको आता है तो नहीं आता है तो, लेकिन जिनको नहीं आता बिल्कुल फ्री मोड से बैठते हैं, लेकिन जिन जो पढ़ के जाते हैं उनको बेसब्री से इंतजार रहता है, देखें कितना इंपॉर्टेंट क्या क्या आया इसमें, है ना। तो ये सारी बातें सुन में आ गई लालना, आप ध्यान देना भैया। आपने एक चीज़ मैंने आपको बताया था MOR करके, है ना, एक ट्रिक हमने आपको समझाया था, ये भी रिएक्शन करेगा किससे, तो ये एथिल आर्थो फॉर्मेट बनाता है, एथिल आर्थो फॉर्मेट, एथिल आर्थो फॉर्मेट मतलब एथिल आर्थो फॉर्मेट। अब कैसे बनेगा ये आप सोच रहे होंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म है ये मोर मीन्स ये किससे रिएक्शन करने जा रहा है, ये एथॉक्साइड से, और एथॉक्साइड में एल्कॉक्साइड, अब ध्यान दीजिएगा, एल्कॉक्साइड मतलब ये कोई जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये भी बताया था लालना, दैट इज एल्कॉक्सी एंड एल्कॉक्साइड मीन्स, दोनों में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंट बिटवीन ऑफ द मोर एंड और, आपकी समझने के लिए बता रहा हूं लाल, ध्यान दीजिएगा, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, क्लियर, ये एल्कॉक्सी है एंड एल्कॉक्साइड, एल्कॉक्सी ओनली एल्किल से जुड़ा होगा, या ऑक्सीजन ओनली एल्किल मीन्स एल्काइल से किसी जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन एल्काइल के साथ साथ किसी मेटल से भी जुड़ा होगा। मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आया लाल कि नहीं आया, क्लियर, कैसे थोड़ा समझो लाल, हमने यहाँ पर दिया, एक चीज़ ध्यान रखिए लाल, जितने भी हमारे इर्द गिर्द में परेशान आत्मे भटक रहे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं लीजिएगा जरूर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में केवल की मतलब कि एक मास्टर की दे रहा हूँ आपको, बाकी जो समझने का बेसिक इंपॉर्टेंट एक एक चीज़ बारीक चीज़ें हैं वो सब ऑफलाइन क्लासेस में जा रही हैं, मतलब कंटिन्यूस आप देख रहे होंगे लेक्चर नहीं दिए जा रहे हैं, लेक्चर दिए भी जा रहे हैं तो वो निचोड़ केवल दिया जा रहा है, विद्वत नहीं समझाया जा रहा है, वो ऑफलाइन क्लासेस में ही दिया जा रहा है, क्लियर, ध्यान रखिएगा लाल, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कंटिन्यूस सभी लोग स्टडी करें, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू ही हम लोग 100% रिजल्ट नहीं ला सकते हैं,
इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे प्लस पॉइंट कि आपके अपने बाराबंकी शहर में HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है, आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। कहीं दूरदृष्टि होता तो वहाँ निगेटिव पॉइंट्स होता कि हम इस टीचर से पढ़ते तो कैसा फील करते। जैसे आप किसी अदर स्टेट या अदर किसी डिस्ट्रिक्ट के टीचर से माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऑफलाइन इससे क्लास कर लेते, तो ऐसे ही मेरे पास भी कुछ कॉल या कुछ मैसेज आते हैं कि अदर इस टीचर से पढ़ लेते। लेकिन रीज़न क्या होता है कि जो कांटेक्ट में ऑलरेडी होते हैं उनके माइंड में निगेटिव थिंग्स यही आता है कि ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज जहां मिल रही है वहां पर नहीं करते। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों से, चाहे मेरे विद्यार्थी हों या यूपी या यूपी के बाहर के कहीं के भी विद्यार्थी हैं, यदि आपके शहर में चाहे किसी भी स्टेट में हो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप को यदि मौका मिल रहा है उस टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज करने का, तो आप बेशक बेहचक बेधड़क होकर कीजिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को अच्छा ध्यान दीजिएगा लाल सब लोग। हमने यहाँ पर डिफरेंस बताया कि जो ये मोर है और जो और है दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ये जो और है तो ये हो गया आपका CH3 दैट इज मेथॉक्सी, है ना लाल भैया? ये हो गया लाल C2H5 एथॉक्सी, और ये अब ध्यान देना मेथॉक्सी मेथॉक्साइड, गजब, एथॉक्सी एथॉक्साइड, डिपेंड ऑफ मेटल्स, डिपेंड ऑफ मेटल्स, NaOCH3 सोडियम मेथॉक्साइड, तो NaOC2H5 सोडियम रिएक्ट विथ सोडियम, मतलब ये किससे रिएक्शन करने जा रहा है? कंफर्म क्या बनेगा? एथिल आर्थो फॉर्मेट ही बनेगा, कंफर्म करके दिखाएंगे। चलिए अच्छा, थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग एक्टिव हो? एक्टिव हो, ध्यान देना। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखा लाल, समझेगा लाल, ये जो एथॉक्साइड की बात करते हैं, मतलब ये क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्शन करेगा? सोडियम एथॉक्साइड से। तो थ्री मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एथॉक्साइड, कैसे ये चीज़ बताया जाए माइंड में जल्दी से, लेकिन एक बार इवेंट बना लीजिए जल्दी से। चलिए आइए देखते हैं जल्दी से, एक बार सब लोग देखो रिवीजन करते हैं लाल। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस करेंगे पोटेशियम फॉर्मेट, क्लोरोफॉर्म Cl2 से रिएक्शन करेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड से करेगा तो क्या बनेगा? क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोफॉर्म सिल्वर से करेगा एसिटिलीन बनाएगा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से करेगा क्लोरीटोन बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बेंजीन से करेगा तो ट्राइफेनिल मेथेन बनेगा, क्लोरोफॉर्म सोडियम एथॉक्साइड से करेगा तो एथिल आर्थो फॉर्मेट बनेगा। सारी बातों को रिविजन कर लिया, माइंड में बाप की बात सेट हो गई कि हाँ क्लोरोफॉर्म की ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट्स हैं सारी। आ गई बात समझ में? तभी तो हम लोग 2025 में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके रिजल्ट में ला रहे हैं नंबर्स। एक एक क्वेश्चन को चुरा चुरा के पढ़ना है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? चलिए अच्छा, ये सारी बातें क्लियर हो गई लाल ना, कन्फर्म हो गई भैया ना? चलिए अच्छा, लास्ट में कैसे होता ध्यान दीजिएगा, रफ कर दे रहा हूँ लाल, रफ कर दिया जाए लाल। चलिए चलिए ध्यान देते लाल भैया, सबसे पहले HC, थोड़ा ध्यान से देखना लाल भैया, Cl, क्लियर प्लस, ये बात इतनी समझ में आ गई? क्लियर। हमने कहा अभी मैंने कुछ मिनट पहले क्या बोला था, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड, इतनी बात समझ में आ गई थी? मतलब एक चीज हमने देखा, इसी को लिखेंगे कैसे, NaOC2H5 डेल कर देंगे। नहीं समझ में आ गया ना? मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं,
क्लियर। मैं चाहता था ये इसी को कैसे लिख देता नोट में, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 3NaOCH2H5, बात तो वही है लेकिन थोड़ा यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या NaCl, अब देखो क्या बचा, लिखेंगे HCO C2H5 बन गया एथिल आर्थो फॉर्मेट। आर्थो फॉर्मेट देखो, ये एथिल हो गया पुराना और आर्थो और फॉर्मेट ये जाएगा HCOO। नहीं बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया बोलो। एथिल आर्थो और ये फॉर्मेट जो जा रहा है HCO है, देखो इसमें ग्रुप प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है, वो आर्थो जा रहा है ना, HCOO और आर्थो फॉर्मेट, एथिल आर्थो फॉर्मेट, क्लियर। इसके अदर कुछ और भी नेम है, निकाल सकते हैं आप लोग, बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या आप कमेंट करके बताएंगे, है ना, ग्रुप में अपने बताएंगे किसके और भी नेम क्या हो सकते हैं। और एक चीज़, क्या इसको हम एथिल आर्थो फॉर्मेट ही बोल सकते हैं? क्या एथिल आर्थो फॉर्मेट इसका क्लियर नेम है? है ना, ये आप लोग कंफर्मेशन करके मुझे बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट लेक्चर में, क्लियर। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई लाल आपको। ये कंपाउंड्स क्या है लाल? क्लोरोफॉर्म, दैट इज ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ये क्या है लाल? सोडियम एथॉक्साइड। हाँ, ब्रेकेट में क्या लिखेंगे लाल? थ्री मॉलिक्यूल ऑफ, समझ जाना है, क्लियर। इसका सेकेंड नेम क्या जाएगा, या इसका रियल नेम, या इसका यही सही नेम है क्या है, या आप अगले लेक्चर में मुझे बताएंगे। और इसे एथिल आर्थो फॉर्मेट ही क्यों कहते हैं, ये होमवर्क है। इसे एथिल आर्थो फॉर्मेट कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यदि कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्लियर। हाँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्टेड निकाले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए। जितने भी मतलब मीन्स जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, जो भी मित्रगण हैं, जो भी संज्ञान में हैं, तो सभी लोगों से विनर निवेदन यही है कि लेक्चर को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और अपने संज्ञान में, जो भी आपके संज्ञान में है, मित्रगण हैं, जो भी हैं, उन सभी तक चैनल को शेयर कीजिए, है ना। एक पॉजिटिव आपका वर्क है कि चैनल पर यदि चैनल पे जितने भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं आपको सोन में विद्युत आ रहा है, तो आपका ये वर्क है कि लेक्चर को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने संज्ञान में लोगों तक शेयर कीजिए, है ना। मेरा जो काम है सिलेक्टेड मटेरियल को आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाना, जिससे 2025 में जबरदस्त परफॉर्मेंस, और जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है वे सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स की तरफ, जो कि आपको होमवर्क दिया गया कि इनको एथिल आर्थो फॉर्मेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यदि बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन से एथिल आर्थो फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जो कि 2025 में आने के चांसेस 100% हैं। चलिए, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।